व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI में थोड़ा सुधार हुआ है, फिर भी यह बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि AQI क्या है। तो AQI का पूरा नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक है। हवा की गुणवत्ता के लिए एक नंबर, एक रंग, एक विवरण की रूपरेखा के साथ यह वर्ष 2014 में शुरू किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने इसे IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। वायु गुणवत्ता की माप 8 प्रदूषकों पर आधारित है। पहला पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10, दूसरा पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, पांचवा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, छठा ओजोन यानी O3, सातवां अमोनिया यानी NH3 और आठवां लेड यानी PB। AQI में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। पहली है अच्छा, जिसे हरे रंग से डिनोट किया जाता है। यह AQI 0 से 50 पर शो किया जाता है, इसका मतलब होता है कि हवा की गुणवत्ता साफ है। दूसरी श्रेणी है संतोषजनक, जिसे हल्के हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसका AQI माप 51 से 100 तक होता है। इससे सांस की बीमारियों वाले लोगों को सांस लेने में कुछ परेशानी हो सकती है। तीसरी श्रेणी है मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक की, जिसे गुलाबी रंग से डिनोट किया जाता है। ये AQI 101 से 200 तक होता है। मध्यम वायु प्रदूषण और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर इसके अंतर्गत श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। चौथी श्रेणी है खराब, जिसे पीले रंग से डिनोट किया जाता है। AQI इसका 210 से 300 तक होता है। इसमें स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पांचवी श्रेणी है बहुत खराब, जिसे लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसका AQI सूचकांक 301 से 400 तक में प्रदर्शित किया जाता है। इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। छठी श्रेणी है गंभीर होने की, इसे गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसका AQI सूचकांक 401 से 500 तक होता है। इस दौरान स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे एलर्जी, चकत्ते, त्वचा की समस्याएं और गंभीर श्वसन रोग हो सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप के ऊपर। ग्रेप को MC मेहता बनाम भारत संघ 2016 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार किया गया है। किस स्थान के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के आधार पर ग्रेप को 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत या ग्रेड किया जाता है। पहला वर्ग है गंभीर प्लस या आपातकाल होने का। यह श्रेणी तब लागू होती है जब यह PM2.5 और PM10 मान क्रमशः 300 ppm और 500 ppm के बराबर या उससे अधिक हो। यह हवा में 48 घंटे से अधिक समय तक बना रहता है। इस दौरान जो उपाय किए जाते हैं उनमें शामिल है दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ट्रक यातायात के प्रवेश को रोक लगाना, सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाना, दिल्ली में निजी वाहनों की पार्किंग की सम विषम योजना लागू करना, स्कूलों को बंद करने जैसे आपातकालीन निर्णय लेने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करना। दूसरी श्रेणी है गंभीर होने की। यह श्रेणी तब लागू होती है जब PM2.5 और PM10 सांद्रता क्रमशः 250 ppm और 430 ppm हो जाए। इस दौरान जो उपाय किए जाते हैं उनमें शामिल है स्टोर क्रशर उद्योग, ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट आदि बंद करना, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट का उपयोग कम से कम करना, प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्रों को हवा में कणों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना, पीक ट्रैफिक को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग समय निर्धारित करना और उच्च धूल वाली सड़कों पर धूल को कम करने के लिए अक्सर पानी का छिड़काव करना। तीसरी श्रेणी है बहुत खराब होने की। जब PM2.5 सांद्रता 121 से 250 ppm की सीमा के बीच होती है और PM10 सांद्रता 351 से 430 ppm के बीच होती है, इस दौरान यह श्रेणी लागू होती है। इस दौरान जो उपाय किए जाते हैं उसमें शामिल है डीजल से चलने वाले जनरेटरों को बंद करना,
निजी वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। कोयला और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। सांस और हृदय संबंधी समस्याओं वाले नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। चौथी श्रेणी है मध्यम से खराब की। यह श्रेणी तब लागू होती है जब पीएम 2.5 का स्तर 61 से 120 पीपीएम और पीएम 10 का स्तर 101 से 350 पीपीएम के बीच होता है। इस दौरान उपाय जो किए जाते हैं उसमें शामिल है लैंडफिल में खुले में कचरा जलाना प्रतिबंधित, ईंट भट्टे और पत्थर उद्योग बंद, उद्योगों को बंद करके धूल उत्पादन, फ्लाई एश रिलीज और इसी तरह के दृश्य उत्सर्जन को नियंत्रित करना और पटाखों पर प्रतिबंध, सड़कों की बार बार सफाई और पानी डालना आदि जैसे उपाय किए जाते हैं। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हवा की गुणवत्ता के लिए एक नंबर, एक रंग, एक विवरण की रूपरेखा के साथ लॉन्च किया गया था। कथन दो है, वायु गुणवत्ता की माप 8 प्रदूषकों पर आधारित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।